आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ट्रेंडिंग लेस डिजाइन, यानी कि जो दुपट्टा या सूट्स या लहंगास के ऊपर जो आप लेसेस लगाते हैं उनमें कौन से डिजाइन है जो राइट नाउ इन ट्रेंड है। इन सभी लेसेस के प्राइसेस भी हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ टीवी एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी का आउटफिट्स को शेयर किया है, जो आपके लिए वेडिंग सीजन में काफी बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है। तो बेसिकली हमने फोकस किया था 20s में जो भी लड़कियां हैं उनके लिए वो स्टाइल्स हैं, बट एज सच कुछ लिमिटेशन नहीं है कि 20s में वो तभी वो पहनना है आपको। हर एज ग्रुप पे वो चीजें थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ सूट हो सकती हैं। सो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है प्लीज मेक श्योर आप जाके एक बार जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। एक्चुअली वीडियो ना हम फेस्टिवल से पहले बनाना चाहते थे, यानी कि 10-15 दिन पहले बना देते सो दैट आपको ईद या राखी पे इसकी हेल्प हो जाती, बट यू नो ड्यू टू कफ एंड कोल्ड आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज और एक हफ्ते से लिटरली कोई वीडियो नहीं आ रही थी इस चैनल पे, दैट इज वाई हम थोड़ा लेट हो गए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि फेस्टिवल्स के अलावा आप इन लेसेस को कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, अभी तो फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं, काफी त्योहार आने वाले हैं। एंड सेकेंडली वेडिंग या पार्टीज में भी आप इन लेसेस को यूज कर सकते हो, कुछ लेसेस ऐसी हैं जो आपके कैजुअल वेयर को भी काफी सूट करेंगी। सो द वेरी फर्स्ट लेस जो इस टाइम काफी इन ट्रेंड है वो है फ्रिंज लेस, यानी कि इस तरीके की दिखने वाली लेसेस होती हैं। ये फ्रिंजेस थ्रेड के ये छोटे छोटे कटे हुए थ्रेड्स होते हैं, इसके साथ लगे हैंगिंग थ्रेड्स होते हैं जिनको फ्रिंजेस कहा जाता है। तो फ्रिंज्ड लेसेस काफी इस टाइम पे इन ट्रेंड है। बेसिक ये वाली है, इस तरीके की जो होगी वो बेसिक लेसेस हैं, एंड इसमें मॉडिफिकेशंस आपको मिलने शुरू हो गए हैं मार्केट में। आपको गोटा के फ्रिंजेस मिल जाते हैं, इनकेस आपको कोई पार्टी वेयर सूट बनाना हो या वेडिंग वेयर सूट बनाना हो तो आप इस तरीके के गोटा के फ्रिंजेस उस पर लगा सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको काफी बड़े लंबे फ्रिंजेस भी मिल जाते हैं इस तरीके के, ब्यूटिफुल घने फ्रिंजेस हैं। फ्रिंज जो लेसेस होती है इनकी क्वालिटी आपको कैसे पता चलती है कि अच्छी है या नहीं है, वो ये कि इनके फ्रिंज कितने घने हैं। कुछ बहुत दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, वो फाइन लेस नहीं होगी, जितने ज्यादा घने उतनी अच्छी लेस। तो इस तरीके के जो फ्रिंजेस हैं ये स्टाइलाइज्ड गार्मेंट्स में या ब्लाउजेस में यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट हमने मेटालिक फ्रिंजेस, जो अब इतना ज्यादा इन ट्रेंड में नहीं है, मेटालिक फ्रिंजेस के ऊपर एक वीडियो हमने बनाई थी कि मेटालिक फ्रिंजेस के आप ब्लाउजेस कैसे बना सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मेटालिक फ्रिंजेस आप इस तरीके के जो थ्रेड फ्रिंजेस हैं उनको अब यूज कर सकते हैं अपने ब्लाउजेस में। इनफैक्ट सिंपली आपका जो दुपट्टा है उसके बॉर्डर्स में भी आप यूज कर सकते हैं। ये वाली जो फ्रिंज है इट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, थोड़ी महंगी है बाकी जो बेसिक लेसेस हैं, बिकॉज इसमें हल्का सा सीक्वेंस वर्क भी है, तो ये पार्टी वेयर आउटफिट्स के लिए परफेक्ट है। गोटा भी जो है ये भी लिमिटेड है कि सिर्फ आपके जो पार्टी वेयर गार्मेंट्स है उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाली है इस तरीके की जो लेसेस हैं ये आपके जो कैजुअल सूट्स हैं ना उन पे भी आप यूज कर सकते हो। सिंपली आपकी जो साइड स्लिट्स होती हैं उसकी किनारी पे आप लगा लीजिए, दुपट्टा की किनारी में इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट लेस है और आपको ऑलमोस्ट हर कलर में मार्केट में मिल जाएगी। इन सभी लेसेस के जो प्राइसेस हैं जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में नीचे दिख जाएंगे, आप प्राइसेस वहां जाके चेक कर सकते हैं। प्राइसेस सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपको कितने में ये लेसेस मिल जाएंगे, बेसिकली वी आर नॉट सेलिंग इट। काफी लोग ऐसा होता है ऐसी वीडियोस के बाद हमें पूछते हैं कि लेसेस को कैसे खरीद सकते हैं, हम इन्हें नहीं सेल कर रहे, लेकिन आपके आसपास जो भी लेस शॉप्स हैं आप विजिट करके उनसे खरीद सकते हैं इनको, या अमेजोन जैसी जो वेबसाइट्स हैं उन पे आप ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं इनको टाइप करके आप चेक कर सकते हैं दे आर अवेलेबल और नॉट। ऑल्सो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हमारे यहाँ के एक लोकल लेसेस के डीलर हैं उनका नंबर और उनकी शॉप और उनका एड्रेस सब कुछ शेयर किया था, आप चाहें तो उनसे भी इंक्वायर कर सकते हैं लेसेस के बारे में, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैसल लेसेस। बहुत से लोग टैसल लेसेस और फ्रिंज लेसेस में कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रिंज लेस है इस तरीके से, इसमें धागे नीचे हैंग हो रहे हैं, राइट, कोई धागा आपस में इसे ग्रुप करके बांधा नहीं गया, जबकि जो टैसल लेसेस होती है इसमें टैसल लाइक इफेक्ट देने के लिए धागों को इस तरीके से ग्रुप्स में बांध देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे टैसल्स हैंग हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन केस आप टैसल टॉप्स बना रहे हैं। हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने टैसल्स के साथ आउटफिट्स को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं बताया है, डिफरेंट डिजाइन आपके साथ शेयर किए हैं। तो जब भी आप कोई एक ऐसा आउटफिट बना रहे हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप पूरे फ्लेयर पे या स्लीव पे आपके टॉप्स पे आपको टैसल्स हैंग करने हैं, तो इतने सारे टैसल्स को टक करना या बनाना मुश्किल हो जाता है, तो ये जो लेसेस हैं ये आपके काम को काफी इजी कर देती हैं। इनको सिंपली आप जो इसका पट्टी वाला पार्ट होता है इसको अंदर की तरफ सिल देंगे अपने कपड़े के,
किस तरीके से वो छुप जाएगा और सिर्फ आपका टासल विजिबल होता है उसमें। तो ये भी ज्यादा महंगी लेसेस नहीं है, सस्ते में आपको मिल जाती हैं। और ट्रेंडी आउटफिट्स जो हैं, जैसे टैसल टॉप्स, टैसल दुपट्टास, इवन ट्राउजर्स के नीचे इनको यूज किया जाता है, आप इजिली इन लेसेस के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट जो लेस है ये है नेट के ऊपर थ्रेड वर्क की लेसेस। दीज आर अमेजिंग ब्यूटिफुल लेसेस हैं, बहुत फाइन तरीके से इनपे काम किया जाता है। बेसिकली नेट फैब्रिक होता है ये, जिसके ऊपर ये थ्रेड वर्क का काम है और लास्ट में स्कैलप्स के कटआउट्स दिए होते हैं। ये जो लेसेस है आपके जितने भी एलिगेंट और डिसेंट आउटफिट्स है, पेस्टल आउटफिट्स है, बेसिकली व्हाइट है या पेस्टल्स है, उनके ऊपर बहुत सुंदर लगती है राइट नाउ। इनफैक्ट क्योंकि इनकी ब्यूटी ही इस तरीके की, बहुत ही सटल सॉफ्ट सा लुक आता है इनको देख के, कि इन ये जो यूजुअली अवेलेबल है राइट नाउ वो पेस्टल कलर्स में ही है। तो आपको डार्क कलर्स में अभी तो नहीं मिल रही है, मे बी इन फ्यूचर आनी शुरू हो जाए, बट आपके जो भी लाइट सूदिंग कलर्स वाले आउटफिट्स हैं उनके ऊपर आप इनको यूज कर सकते हैं। सिंपली आपके दुपट्टा के बॉर्डर पे, एज अ दुपट्टा बॉर्डर आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड की किनारी लेसेस। दीज आर सुपर अमेजिंग लेसेस, इनको आप ना हर जगह पे यूज कर सकते हो, एज अ दुपट्टा किनारी, जहां पे आप अपने कुर्ताज में पाइपिंग यूज करते हैं, आपके नेक पे, स्लिट्स पे, स्लीव्स पे, कहीं पे भी इन लेसेस को आप यूज कर सकते हैं। ये कोई नया लेस का डिजाइन नहीं है, पुराना डिजाइन है, बट अभी काफी पसंद किया जा रहा है ये। तो सिंपली आपके जो नॉर्मल कैजुअल कुर्ताज हैं उनपे आप इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये काफी कलर्स में अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं आप इसे कैजुअली ही यूज करें, आपके जो ऑफिस कुर्ताज भी हैं उनमें भी आप इनको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनमें कोई शाइन नहीं है, कोई ब्लिंग नहीं है, साइज में बहुत छोटी सी है, बहुत डिसेंट सटल इनके जो डिजाइन है वो है। तो आपके जो ऑफिस वेयर कुर्ताज हैं या कैजुअल कुर्ताज हैं उनमें आप इन लेसेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जूल्ड लेसेस। इनको जूल्ड लेसेस क्यों कहा जाता है, बेसिकली क्योंकि ये ना लेस की तरह नहीं दिखती, किसी कपड़े पे नहीं है, कोई धागे का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है, तो ये आपके नेक पे यूज हो सकती है। और यूजुअली इसके लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, हाथ से ही टांगना पड़ता है इनको। तो ये बीड्स हैं और इसमें कोई फैब्रिक की बैकिंग नहीं है आपके, तो डिजाइन अलग अलग डिजाइन में अवेलेबल आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये जो लेसेस है इनको आप एज अ यू नो एक एम्बॉस्ड इफेक्ट देती हैं, ये सेकेंडली एक ज्वेलरी पीस लाइक इफेक्ट देती है। तो अगर आपकी ये नेक लाइन पे लगी है, इस तरीके की लेसेस पतली भी मिलती हैं, डिफरेंट डिजाइन्स में भी मिलती है, नेक लाइन पे या स्लीव के आगे आप इसे यूज कर सकते हैं, तो आपकी जो ज्वेलरी की नीड है वो एलिमिनेट हो जाती है आपके गार्मेंट में से, बिकॉज इट प्रिटी मच लुक्स लाइक यू नो आर्टिफिशियल पर्ल नेक पीस या नेक ऑर्नामेंट, या आप हाथ में पहनेंगे तो वो ब्रेसलेट का जो नीड है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये जो लेसेस हैं हल्की सी एक्सपेंसिव हैं, बट दे आर वेरी प्रिटी। इनफैक्ट आपके जो भी गाउन्स हैं, लेसेस यूजुअली इंडियन वेयर पे ज्यादा अच्छी लगती हैं, बिकॉज यू नो इंडियन मोटिव्स के साथ जो लेसेस बनाई जाती हैं उनको हम वेस्टर्न ड्रेसेस में अगर यूज करते हैं तो लुक थोड़ा सा यू नो ऊपर नीचे हो जाता है उसका, लेकिन ये जो लेसेस हैं प्रिटी मच सूटेबल हैं आपके गाउन्स के लिए भी। इनफैक्ट हमने इनके साथ चोकर नेकलाइन जो डिजाइन होते हैं वो बहुत बनाए हैं, तो ये नेक पीस का पर्पज भी सर्व कर देता है। सेकेंडली इट्स प्रिटी मच डिफरेंट और ये वर्क जैसा इफेक्ट देता है, जैसे आपने बीड वर्क करवाया है या पर्ल वर्क करवाया है अपने आउटफिट के ऊपर, उस तरीके का इफेक्ट मिलता है इन लेसेस के साथ। नेक्स्ट है थ्रेड वर्क लेसेस। बहुत ही फाइन थ्रेड वर्क है जिसमें नीचे से सर्फेस भी विजिबल नहीं है कि किस कलर के बैकग्राउंड पे ये वर्क हुआ है। तो इस तरीके की जो लेसेस है, अगेन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी महंगी पड़ती है, तो आप एम्ब्रॉयडर्ड लेसेस, इस तरीके की थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडर्ड लेसेस अगर सू कर देंगे अपने गार्मेंट्स के ऊपर, देन इट्स डिफिकल्ट टू टेल कि वो एम्ब्रॉयडरी है या फिर लेस है। ऑफकोर्स क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि लेस है, बट स्टिल बहुत अच्छा ऑप्शन है एम्ब्रॉयडर्ड गार्मेंट्स का। नेक्स्ट है ये इंसर्शन लेसेस। इंसर्शन लेसेस के ऊपर ना हमने बहुत बार बात की है, इनफैक्ट इंसर्शन लेसेस के साथ आउटफिट्स के डिजाइन या आपके ट्राउजर के डिजाइन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इस तरीके की होती है इंसर्शन लेसेस, जाली जैसा इफेक्ट होता है, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, मतलब ये नीचे से आपको सरफेस दिखेगा, बेसिकली ये मकसद होता है, पूरी ढकी हुई नहीं होती, बीच में कट हुआ या जाली जैसा इफेक्ट होता है, और अलग अलग विड्थ्स में अवेलेबल होती है, जैसे चौड़ी भी आपको मिलेगी, इससे पतली, बिल्कुल पतली भी मिलेगी। इंसर्शन लेसेस बहुत अच्छी है आपके टॉप्स के लिए, आपके कुर्ताज के लिए, इनफैक्ट इनमें एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप बहुत है। आपके ट्राउजर्स में आप बहुत से पैटर्न इनके साथ क्रिएट कर सकते हैं। द थिंग इज इनको दो कपड़ों के बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है, ऊपर फैब्रिक, नीचे फैब्रिक, और बीच में ये लेस, तो थोड़ी सी स्किन आपकी इसमें से विजिबल होती है जो एक डिजाइन एलिमेंट ऐड कर देती है, जो कि बाकी लेसेस के साथ आप नहीं कर सकते। ये जो पैटर्न्स हैं इंसर्शन लेसेस के साथ ही आप क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्शन लेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस पर हमने एक वीडियो बनाई थी अपने स्विंग चैनल पे, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये पता करना है कि इंसर्शन लेसेस को यूज कैसे करना है।
लास्ट है ऐसी लेसेस जो स्पेसिफिकली आपके लहंगास के लिए या आपके पार्टी वेयर जो आउटफिट के दुपट्टास के लिए कुर्ताज के लिए है वो है ये जरी लेसेस। ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड लेसेस आपको मिलती है, पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है, इसमें जरी प्लस सीक्वेंस वर्क है। ये अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके एम्ब्रॉयडर्ड गार्मेंट्स के लिए। एम्ब्रॉयडर्ड लहंगास आप हर वेडिंग या हर पार्टी के लिए नहीं बनवा सकते, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो लेसेस हैं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके एम्ब्रॉयडर्ड गार्मेंट्स के लिए। इतना फाइन जरी और सीक्वेंस वर्क, इट अगेन गिव्स एन इम्प्रेशन कि एक एम्ब्रॉयडर्ड गार्मेंट आपने पहना है और कंपैरेटिवली कम प्राइस में आपके पार्टी वेयर आउटफिट्स रेडी हो जाते हैं इसी लेसेस के साथ। So that's it everyone, I hope you liked today's video. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई please make sure to like, share and subscribe to our channel. And also इनमें से कुछ लेसेस का Amazon का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। Thank you so much everyone.